नमस्कार दोस्तों, आइए आज दिखाते हैं लोहरदगा में झमाझम बारिश, यानी कि पत्थरों की बारिश, हाँ यानी कि बर्फ के टुकड़ों की बारिश। बारिश होने से पहले बर्फ के टुकड़े यहाँ गिरना शुरू हो गए। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आसमान से बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं और यहाँ पानी नहीं गिर रहा है, सिर्फ बर्फ के टुकड़े ही गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे जमीन में किस तरह से बर्फ के टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं, और देखिए किस तरह से बर्फ का जो टुकड़ा है वो गिर रहा है, और उसका गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और बर्फ़ के टुकड़ों के साथ साथ अब हल्की बारिश भी होना शुरू हो गई है। और धीरे धीरे देखिए, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि रोड के किनारे जो हरा भरा घास है उसमें आपको वाइट यानी कि सफ़ेद जो नज़र आ रहा है वो बर्फ़ का टुकड़ा जमा हुआ है, और धीरे धीरे बारिश भी अब तेज़ होने चला है। और देखिए धीरे धीरे देखते ही देखते तेज़ ज़ोरदार बारिश का शुरुआत हो चुका है, और तेज़ बारिश के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि किस तरह से रोड में बर्फ़ का टुकड़ा अभी भी गिरा हुआ है और गिर रहा है। और देखिए इसके साथ बर्फ़ के टुकड़ों के साथ साथ अब तेज़ बारिश, इस तरह तेज़ बारिश में गर्मी से लोहरदगा जिला वासियों को कुछ राहत ज़रूर मिला है और वो सुकून महसूस कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से इधर देखते देखते सारा रोड में पानी का भरना शुरू हो गया है, और इधर भी आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक झमाझम बारिश का शुरुआत हो चुका है, और लोग अपने घरों पर सुकून महसूस कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप, अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह बड़े बड़े रोड में आपको बर्फ़ के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। आप अभी भी देख रहे होंगे कि हरा घास में आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस तरह बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं। और देखिए देखते ही देखते बारिश और पत्थर के साथ साथ अब हवा का भी चलना तेज हो चला है, और तेज़ हवा के साथ साथ ज़ोरदार बारिश शुरू हो चुकी है, और लोहरदगा वासियों को गर्मी से काफ़ी राहत, और लोग अपने घरों पर बारिश का मज़ा ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी लोहरदगा में नहीं हैं और आप भी कहीं बाहर भी हैं और वहाँ भी बारिश है और वहाँ भी पानी आ रहा है, तो आप भी बारिश का मज़ा लीजिए और मेरे बातों में मत रहिए। आप अपना घर में चाय बनाइए और ये बारिश का मौसम में चाय का भी मज़ा लीजिए और ये लॉकडाउन का भी मज़ा लीजिए। बस इतना ही कहकर आप लोगों को आलोक राज का झारखंडी जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।